अस्सलाम वालेकुम, आई एम आयशा साबरी, आई एम एस्ट्रोलॉजिस्ट, आई एम राइटिंग अ कॉलम इन डेली एक्सप्रेस न्यूज़पेपर फॉर 16 ईयर्स अबाउट स्टार्स। बेशक इल्मे गायब अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। टुडे 23 अगस्त 2020 में आज आप लोगों को बताऊंगी कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा अकॉर्डिंग टू स्टार्स। फर्स्ट स्टार है हमारा एरीज़। एरीज़ आज के दिन मुस्तकबिल के बारे में अहम फैसले कर सकेंगे। आप आज के दिन किसी भी काम में कोशिश करें तो आज आपसे वो काम बिल्कुल आपकी तवक्को के ऐन मुताबिक पूरा हो सकता है। गैर शादीशुदा हजरात का रिश्ता इनकी मर्ज़ी के मुताबिक तय पा सकता है, बशर्ते कि वो आप अपने घर वालों को अपनी मर्ज़ी से आगाह ज़रूर कर दें। टॉरस है, कारोबार की गिरती हुई साख को किसी हद तक सहारा मिल सकता है अगर आप अपनी आला सलाहियतों को ब्रोए कार्ड लाते हुए इस मौका से इस्तफादा करने की कोशिश कर ली तो आज के दिन आपको बहुत कुछ हासिल हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा जेमिनी। जेमिनी वालों का हर किस्म का कारोबार पूरी जिम्मेदारी के साथ करने की कोशिश कीजिए। कोई भी कारोबारी स्कीम आज के दिन आपकी पूरी हो सकती है आपकी दरीना ख्वाहिश के मुताबिक। अलबत्ता आपका घरेलू माहौल काफ़ी हद तक उलझा रहेगा जिसकी वजह से आप परेशानी का शिकार हो सकते हैं। कैंसर है, मुखालिफ से सुलह का अमकान है, लेकिन हमारा मशवरा आपको ये है कि ये सुलह ज़रा देखभाल कर करें, ये ना हो कि आप ये दुश्मन की किसी चलाकी का शिकार बन जाएं। दरीना आरजू अलबत्ता आज के दिन आपकी पूरी होने के अमकान रोशन हैं। लियो है, एक बार फिर आप खतरात की लपेट में आ सकते हैं। घरेलू हालात बहुत हद तक आज बहुत अच्छे रहेंगे। अलबत्ता किसी से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, उलझने की कोशिश मत कीजिए, ये लड़ाई झगड़ा तूल पकड़ सकता है। विर्गो है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने वाले हजरात के लिए आज का दिन बहुत अहम है। कारोबारी स्कीमें जो आप बहुत अरसा से बना रहे थे आज उनको पूरा करने का दिन आ गया है। ज़रूर उन पे अमल कीजिए और अपनी स्कीमों को अमली शक्ल देने की कोशिश कीजिए। लिब्रा है, घरेलू ज़िंदगी जैसी है वैसी रहेगी, फिर बेहतरी या खराबी का इन्हसार आपके मिजाज पर ज़रूर है। अगर आपने एतदाल को अपनाए रखा तो आपका वक्त बहुत अच्छा गुजर सकता है। अपने गुस्से को ज़रा काबू में रखें तो बेहतर है। स्कॉर्पियो है, आप अपनी तलीम में खसूसी दिलचस्पी लें और ऐसी मायूसी के खुद साख्ता खोल से बाहर आ जाएं जो आपको अंधेरों की तरफ धकेल रही है। शरीक हयात का जहन आपकी तरफ से खासा मुंतशिर रहेगा, लिहाजा उनको नाराज़ करने की बिल्कुल उन्हें मौका ना दीजिए। सेजिटेरियस है, चंद दानिस्ता गलतियों की वजह से आपकी मुखालफत में इजाफा हो सकता है। अपने रंगीन ख्यालात की रंगीनियों को आज के दिन ज़रा ख़त्म कर दीजिए तो बेहतर है। अलबत्ता कारोबार में तरक्की के अमकान रोशन हैं। कैप्रिकॉर्न है, लेन देन के मामलात सरंजाम देने के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल है। मजहबी अमूर की जानिब आपके ख्यालात ज़्यादा रहेंगे। आज आप नज़दीकी सफ़र का मौका भी आपको मिल सकता है, ज़रूर कीजिए। एक्वेरियस है, तलीमी मसाइल बखूबी तय पा सकते हैं। महबूब की गलत फहमी भी आज आप दूर कर सकते हैं जिसकी वजह से काफ़ी अरसे से आपके महबूब आपसे नाराज़ थे, इसलिए और आज के दिन आप किसी मक्तदर शख्सियत से मिलने के भी अमकान रोशन हैं। पाइसिस है, आमदनी में इजाफे की उम्मीद है मगर किसी को बतौर कर्ज रकम हरगिज़ ना दीजिए, ये आपको कभी भी वापस नहीं मिल सकेगी। अलबत्ता अपने कारोबार को वसत देने का आज आपको बहुत अच्छा मौका मिल सकता है और नज़दीकी सफ़र हरगिज़ ना कीजिए, इसके अमकान बिल्कुल हैं भी नहीं हैं और अगर आप करते भी हैं तो उससे आपको खातिर ख्वाब इजाफा हरगिज़ नहीं हो सकेगा। अगर आपका कोई प्लान भी है तो उसे आज के दिन आप कैंसिल कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप अपना पर्सनली जायचा बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आयशा शरीफ साबरी के नाम से मेरी फेसबुक पे आईडी है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।